हे गाइस, तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो, सबने कार चलाई है और एक ही रेयर केस होता है जो कि हम सब सोचते हैं कि अगर कभी कार के ब्रेक्स फेल हो जाएं तो हम कार को किस तरह रोकेंगे। अगर कार के ब्रेक अगर फेल हो जाते हैं कभी चलती गाड़ी में और अगर आप ठीक ठाक स्पीड में हो तो आप पैनिक कर जाओगे यार। सबसे पहले आज इस वीडियो में ना मैं पूरी चीज आपको बताने वाला हूँ और किस तरह से आप कार को रोक सकते हो अगर आपके कार के ब्रेक्स जो है फेल हो जाएं। वीडियो पूरी जरूर देखना यार, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। देखो, बहुत रेयर केस है वैसे आज के टाइम पर कार के ब्रेक फेल हो जाना, पर अगर कोई टेक्निकल ग्लिच हो जाता है कार में तो हो सकता है कि आज के जमाने में भी आपके कार के ब्रेक्स फेल हो जाएं। वैसे आजकल बहुत सेफ्टी आती है कार्स में पहले से ही, तो कार के जो ब्रेक्स होते हैं ना वो अगर आपके 80 से 100 की स्पीड में भी अगर फेल हो जाते हैं, लगने बंद हो जाते हैं, कभी कभार क्या होता है ब्रेक शू होते हैं वो या तो घिस जाते हैं या फिर वो चिपक जाते हैं उसी पर, कैलिपर्स पर ही, इस वजह से ब्रेक नहीं लग पाते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना चाहिए, देखो एक बात बता दूं मैं आपको, अगर रोड खाली है, हाईवे वाला रोड है, तभी आप इस तरह की कंडीशन से बच सकते हो। वरना जो है अगर सिटी में तो आप 80-100 की स्पीड में क्यों चलाओगे। तरह का खाली रोड है ना, तभी आप है ना इस तरह की कंडीशन से बच सकते हो कि अगर आपके ब्रेक्स फेल हो जाए एक तरह से तो आप उसको बचा सकते हो अपने आप। तो फिल्मों में आपने देखा होगा लोग बाग हैंड ब्रेक खींच देते हैं ब्रेक फेल होता है। जी हाँ, हैंड ब्रेक भी खींचा जाता है ब्रेक फेल होने पे। वैसे आपको बता दूं कि हैंड ब्रेक और जो आपका नीचे वाला ब्रेक होता है ना, इन दोनों में अंतर होता है। ये थोड़ा सा अलग वाले ब्रेक्स होते हैं, ये आपके जो है अलग तरह से लगते हैं और ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है इसमें। तो जो हैंड ब्रेक खींच देते हैं पिक्चरों में वो आपको दिखाते हैं। देखो, हैंड ब्रेक खींचना भी एक तरीके से सही होता है, पर उसके लिए एक स्पीड लिमिट होनी चाहिए। अगर आप 80-70 की स्पीड में हैंड ब्रेक खींच दोगे, कोई उम्मीद मत रखना कि आपकी गाड़ी रुक जाएगी। आपकी गाड़ी ऐसी स्किड मारती हुई जाएगी ना, और हो सकता है उससे भी बुरा कि पलट जाए। तो हैंड ब्रेक खींचना तो कैंसिल है अभी के टाइम पर। अगर आपकी स्पीड 80 है, अभी मैं आपको करके बताऊंगा पूरी चीज। बहुत से लोग पैनिक आकर कार की चाबी बंद कर देते हैं, ये है सबसे डेडली वे। अगर आप कहीं पर बच भी सकते हो ना, अगर आपकी 10% भी बचने के चांसेस है तो आप उसको भी जीरो कर देते हो। इसको बंद करने के बाद आपका स्टेयरिंग जो है टाइट हो जाएगा, और अगर मान लो सामने टर्न आया और आपका स्टेयरिंग एक दिशा में जाके, जैसे मान लो आप न्यू करके चाबी निकाल देते हो और आपका स्टेयरिंग एक दिशा में जाके इस तरह से लॉक हो गया, फिर क्या करोगे यार? फिर तो ना तो आपका ब्रेक, मान लो अगर कुछ इलेक्ट्रॉनिक इशू आ रहा हो उस वजह से भी ब्रेक नहीं लगेगा। पहली बात तो हैंड ब्रेक आप खींच नहीं सकते हो, हैंड ब्रेक खींचोगे तो ऐसे ही पलट जाओगे, और ये आपका स्टेयरिंग मुड़ चुका है तो आप सीधे रोड तो चल ही नहीं सकते हो। आप इस तरह करके कहीं पर भी गिर सकते हो या फिर आपके डिवाइडर पर भिड़ सकते हो। तो ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है। कार की चाबी है जो कभी नहीं निकालनी इस तरह की सिचुएशन में। तो अब क्या करें, देखो अब मैं आपको बता देता हूँ। अब एक ही आपके पास ब्रेकिंग करने का वो है कि आप गियर से ब्रेक लगाएं, मतलब इंजन ब्रेकिंग के सहारे आपकी गाड़ी रुके। मैं आपको पहले चीज बता देता हूँ, अगर आपको औरों को अलर्ट करना है तो आपको सबसे पहले ये भी चलाना होगा, चारों तरफ के इंडिकेटर चला लीजिए, हॉर्न करते रहिए जोर जोर से ताकि लोग बाग अवेयर हो जाए और आपसे थोड़ा दूरी बनाए रखें। तो देखो मैं अभी आपको करके बताऊंगा, थोड़ी मैं गाड़ी स्पीड में लेता हूँ 60-70 और मैं बिना जो है ब्रेक लगाए गाड़ी को रोक के बताऊंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि गाड़ी को रोक के मैं बताऊं और देखते हैं फिर क्या होता है आगे। बाकी आप ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना जब तक ये कोई सिचुएशन आ ना जाए, ये तो एक इमरजेंसी सिचुएशन है, इसके लिए सीट बेल्ट भी हमने लगा लिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। मैं गाड़ी 60 की स्पीड में चलाऊंगा क्योंकि यार 60 की स्पीड से ज़्यादा अभी ये रोड इतना ज़्यादा खाली भी नहीं है, अभी एकदम से बिजी हो जाता है, एकदम से खाली होता है, अभी तो खाली है। तो अभी हम चलाते हैं कार को, और आप इस वीडियो को सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए लेना, इन्फॉर्मेटिव पर्पस के लिए। तो देखो मैंने हैंड ब्रेक नीचे कर लिया है और अभी हम कार चलाते हैं। अब मुझे समझ आया कि कार के ब्रेक लगने बंद हो गए, मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा अभी तो कार वैसे लग जाएंगे ब्रेक्स। तो अब मुझे समझ आ गया मैं पैनिक हो चुका हूँ, तो मैं वो गलती नहीं करूंगा जो और लोग कर देते हैं, कार की चाबी निकाल के फेंक देना या फिर निकाल लेना, तो ये चीज मैं नहीं करूंगा। देखो कार वैसे भी अपने आप खुद से रुकने लगी जाती है, पर अगर एक देखो जैसे मैं वापस पहुंचाता हूं इसको, अब देखो अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे पता लग गया कार के ब्रेक्स फेल है, वैसे कार थोड़ी थोड़ी स्लो हो ही रही है, तो अब मैं गियर्स को डाउन करता जाऊंगा RPM को ध्यान में रखते हुए। एकदम से ऐसा नहीं करना है आपको चौथे गियर से पहले गियर पे लगा देना है, वरना तो ऐसा झटका आएगा ना इंजन पे भी बहुत ज्यादा लोड पड़ जाएगा। तो मैंने अभी तीसरे गियर पे लगा दिया है और मैंने सबसे पहले ये चीज करनी है, मैं सॉरी बताना भूल गया आपको,
कि आपको पार्किंग लाइट चालू कर देनी है, हॉन्क करते रहना है। वैसे अभी मैं हॉन्क नहीं कर रहा हूँ वरना और लोग डिस्टर्ब होंगे। अब यहाँ पर थोड़ी मेरी स्पीड जो है 30 के नीचे जब हो जाती है ना आपकी स्पीड, तब आप वापस ये सेकंड गियर पर आ जाइए। अब देखो और थोड़ी जो ब्रेक लगने चालू हो चुके हैं और पहला गियर अब मैंने लगा दिया है। अब और जो है गाड़ी स्लो हो चुकी है। अब यहां से तो देखो गाड़ी रुकने वाली है नहीं, तो अब यहां से जो है आपको आराम से ये लगा देना है। ठीक है, इस तरह से गाड़ी रुक सकती है। अभी तो मैंने बताते हुए कराया तो बहुत टाइम लग गया, अब मैं थोड़ा बिना बोले करूंगा और आप देखते जाना आप किस तरह से होता है। पार्किंग लाइट्स चालू हैं, स्पीड जो है काफी ज्यादा हो चुकी है, अब हमारे ब्रेक जो है फेल हो चुके हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लगा दिया है, ये यहाँ पर ब्रेक लगा। ध्यान रहे हैंड ब्रेक बिल्कुल नहीं खींचना है अभी इतनी स्पीड में। ये हमने सेकंड गियर डाल दिया है और हमने धीरे से क्लच को छोड़ा ताकि स्पीड धीरे से कम हो। ये देखो और कम हुई स्पीड, और अब जो है पहला गियर लगा देंगे और धीरे से वापस से क्लच को छोड़ेंगे। ये आपका ब्रेक का काम कर रहा है, देखो ब्रेक, कार में ब्रेक्स लग चुके हैं। मैंने बिल्कुल भी जो है ब्रेक्स का इस्तेमाल नहीं करा है। और लास्ट में आकर आपको क्या करना है, जब आपकी कार स्लो हो जाएगी एक सेफ डिस्टेंस पर आ जाएगी, तब आपको ये पकड़कर हैंड ब्रेक लगा देना है और आपकी कार रुक जाएगी। तो एक बार वापस से चालू करते हैं वही चीज। अब बिल्कुल पैनिक सिचुएशन में, अब थोड़ी स्पीड भी हम ज्यादा रखेंगे, बनाए रखेंगे स्पीड। हमने सारे इंडिकेटर्स तो चालू कर ही दिए हैं और बिना ब्रेक लगाए कार को रोकने की कोशिश करेंगे। ये मैंने पांचवा गियर लगा दिया है, अब कार की स्पीड जो है अब इंक्रीज हो ही रही है, ब्रेक नहीं लग रहे हैं, तो अब मैं कार के ब्रेक्स को डाउन करूंगा और धीरे धीरे ब्रेकिंग लगाना शुरू करूंगा। मुझे यहां पर कार को रोकना है। तो कार जो है ना अभी रुक चुकी है। देखो मैं आपको वापस समझा दूं, ये एक इन्फॉर्मेटिव पर्पस के लिए वीडियो बनाई गई है, आप इस तरह की चीज कभी ट्राई मत करना। कार अभी रुकी हुई है और स्टेयरिंग व्हील पावर में है। ये बिल्कुल वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पस के लिए बनाई गई है। देखो अगर आपकी स्पीड 60 की ना, तो आपको 100 मीटर तो कम से कम रिजर्व चाहिए सही रुकने के लिए, अगर आपको इंजन पर लोड नहीं करवाना है तो। पर जो है ना क्या आती बात, देखो एक्सीडेंट वाले केस में ना आप इंजन पर लोड पड़वाना ज्यादा अच्छा समझोगे अपनी कार को क्रैश करवाने से। तो देखो ये चीज आप यूज कर सकते हो। वैसे अगर यूज में ना हो, मतलब अगर जरूरत ना पड़े, तो इस तरह की चीजें बिल्कुल ना करें, बिना ब्रेक गाड़ी ना चलाएं, आपके लिए भी मुसीबत की बात है, सामने रोड पर चलने वालों के लिए भी मुसीबत की बात है। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं यार, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ कार से रिलेटेड और कार केयर टिप्स एंड ट्रिक्स से, उन सब से रिलेटेड, तो एक बार चैनल जरूर से चेकआउट कर लेना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ, पीस।